ला दीजिए प्रभु, कंचुकी बनाऊंगी। अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए दूसरों की सुंदरता नष्ट करना पाप है सीते। सुंदरता का बढ़ाना कोई पाप नहीं है प्रभु, किंतु विपत्ति का कारण अवश्य है। तो आप मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? अवश्य करूंगा। सीता की रक्षा करना, और जब तक मैं लौट करना हूँ बर्णपुटी के बाहर न जाना। जो आज्ञा। कैसे संकट आ सकता है? समय विपरीत होने पर सब कुछ हो सकता है। जाओ, उनकी सहायता के लिए जल्दी जाओ लक्ष्मण। किंतु उनकी आज्ञा। आज्ञा के बहाने तुम अपना कर्तव्य भूल रहे हो। आपकी रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य के पीछे तुम्हारा दूषित आप छिपा है। माता, माता। लक्ष्मण, श्रीराम के बिना सीता इस धरती पर नहीं रहेगी। उसके पहले लक्ष्मण के शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। माता, माता के रूप में मुझे स्वीकार करते हो तो शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं जाता हूँ। आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर सुरक्षित रहेंगी। सुखी रहो पुत्री, अकेली हो? नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूँ पुत्री, किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये रेखा नहीं लांग सकती। अपमान है, घोर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं, यदि देना है तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूँ। बस स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलोक निरंजन। ऋषिवर, धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार के स्वामी बनाए। मैं तुझे सम्मान से रखूंगा, तू मेरी पत्रानी बनेगी। सावधान रावण, तूने मेरा हरण नहीं किया, बेकार को बुलाया, तेरा सर्वनाश होगा। दुष्ट रावण, मेरी सीता का हरण कर दक्ष को रोके, परंतु आकाश मार्ग में भी उसके सामने